मेरा यह बच्चा है मोहम्मद अरहम, जिसको टेस्ट की प्रॉब्लम थी, इसकी गोलियां जो है वो ऊपर हैं। फिर मैंने नेट पर सर्च किया, मैंने फिर हॉस्पिटल फ़ोन किया, तो मैं यहाँ पर आया और मेरे बच्चे का डॉक्टर जसमीत अहलूवालिया ने ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह यह बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा यह बच्चा है मोहम्मद अरहम, जिसको टेस्ट की प्रॉब्लम थी और हमें इस बारे में पता नहीं था। हमारा बच्चा जब छोटा था, हमें डॉक्टरों ने सही करके बताया नहीं कि इसको टेस्ट की परेशानी है, लेकिन जब इसकी कुछ परेशानी हुई तो हमने डॉक्टरों को दिखाया, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि इसकी गोलियाँ जो है वो ऊपर हैं, वो ऑपरेशन के द्वारा नीचे लाई जाएंगी। अब हमने वहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाए वहाँ पर। तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि भाई ये टेस्ट के लिए कौन सा डॉक्टर बेहतर रहेगा, तो इसमें मैंने कुछ वीडियो देखी, कुछ डॉक्टर के इंटरव्यू देखे, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने फिर हॉस्पिटल फ़ोन किया, तो मुझसे स्टाफ ने बहुत अच्छी तरीके से बात की और मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि आप यहाँ आ जाइए, हम इनका चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर आया और मेरे बच्चे का डॉक्टर जसमीत अहलूवालिया ने ऑपरेशन किया, जिससे मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। और मेरा बच्चा ये है और इसकी उम्र 7.5 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह यह बिल्कुल ठीक है। और जब मैं यहाँ पर आया तो डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसका दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं, और मैंने इसका दूरबीन वाला ऑपरेशन कराया, जिससे दोनों इसके टेस्ट जो है नीचे को आ गए, दोनों गोलियां बिल्कुल। और जो मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है वो दूरबीन द्वारा हुआ है, जिसमें कि कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ है, और जो टांके लगे हैं वो भी अंदर ही लगे हैं, उनको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा बच्चा 2-3 घंटे में ही ठीक हो गया था और इसको पानी वगैरह सब दे दिया था, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं हुई जिससे कि चीरा लगने में होती है। काफ़ी परेशानी मैंने देखी है, लोगों को बहुत बहुत परेशान होते हुए देखा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर बहुत फ़ायदा महसूस हो गया। और जिसको भी इस तरह की परेशानी हो, वो बेफिक्र होकर और पूरे भरोसे के साथ डॉक्टर साहब से मुलाकात करे, पहले वो मुतमईन हो ले, फिर उसके बाद सारे काम कराए, जिस तरह से मैं मुतमईन हुआ और मुझे मुतमईन करा डॉक्टर साहब ने।